Hello everyone, welcome back to my channel. So some people are commenting that how was your paper. So I took a break of 1 week and rested only. उसके बाद ही मैं सोचूंगी कि मुझे आगे क्या करना है. So basically after 1 week of my NEET exam, I came out of that conclusion that I will drop a year because I feel मैंने अपना best नहीं दिया था. मैं इस regret के साथ डॉक्टर बनने का सपना नहीं छोड़ना चाहती कि मैंने एक attempt और क्यों नहीं दिया. और अगर मैं नीट नहीं भी देती हूँ तो मेरे पास बीएससी ऑप्शन है, और जब तक मेरी बीएससी कंप्लीट नहीं होती मेरे लाइफ में दूसरा चॉइस ये है कि मैं बोटनी से बीएससी, एमएससी, पीएचडी करूँ और फिर एक प्रोफेसर बनूँ. बट बाई माई बिगेस्ट ड्रीम इज़ टू बी अ डॉक्टर. इट्स नॉट बिकॉज आस पास डॉक्टर और आईआईटी की वैल्यू है, सब अप्रिशिएट करते हैं. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, ये सपना है मेरा और मेरे पेरेंट्स का, खासकर मेरे पापा का. फिर एक मौका देना चाहती हूँ कि एक बार ट्राई करते हैं, बेस्ट देते हैं. जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ कि मेरे मन में एक रिग्रेट ना हो कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मैंने मेरी फिजिक्स वीक है, मेरी ये है. तो चलिए बात करते हैं मेरी पेपर के बारे में कि मेरी पेपर कैसी गई. तो इट वाज़ ओके. आई विल नॉट से बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं थी, मतलब ठीक ठाक. आई स्कोर्ड 450 टू 500 के बीच का कुछ है. सो आई लेफ्ट फिज़िक्स वाज, सबके लिए फिज़िक्स इस बार थोड़ी लेंदी थी, तो मेरे लिए भी थी. और बायोलॉजी तो सबको पता है बहुत इजी थी. पेपर देख के तो ऐसा लगा कि इतना इजी पेपर आ कैसे गया. केमिस्ट्री मॉडरेट थी, मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट लेवल था. फिज़िक्स थोड़ी लेंदी थी, और ठीक है, हर बार कुछ तो कुछ होते ही हैं. कभी फिज़िक्स लेंदी होती है, कभी बायो लेंदी होती है, कभी केमिस्ट्री लेंदी होती है, कभी कुछ होती है. बट यही तो है ना कि हमें इस चीज़ से कोप अप करना है. हमें इन चीज़ों में फंस के नहीं रह सकते, कि एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते अपने मन को कि ये नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ. हम सब अपने मन के अंदर जानते हैं कि हमारी कमियां क्या थी, हमने गलती क्या की, हमारी कमी कहां रह गई, क्या नहीं हो पाया. तो चलिए इन सब की बात को हटा के नीट 2022 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं. और हाँ फ्रेंड्स, मैंने यकीन 2.0 के लिए सब्सक्राइब कर दिया है, तो मेरी क्लास 24 से स्टार्ट होगी. एंड आई इस बार मैं चाहती हूँ अपना बेस्ट दूँ विदाउट एनी रिग्रेट, विदाउट एनीथिंग एल्स, क्योंकि सीट तो भरेंगे ना, सीट तो खाली नहीं रहेगी कि फिज़िक्स के पेपर लेंदी थी, ये थी, वो थी. आई नो कि बहुत कंपटीशन बहुत टफ है, बट हम उससे भी टफ है. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही. तो ये है मेरी आज की लाइफ अपडेट कि क्या चल रही है मेरी लाइफ में और क्या करना है मुझे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please subscribe to my channel. If you like my video, then like, share and subscribe to my channel. Thank you.